हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल मिस्टर एक्स में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम चलेंगे घूमने बजरंगबली के पास, हनुमान जी के मंदिर, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है, रीवा शहर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो उसकी नए साल में यात्रा कर ले जाए, छोटी सी यात्रा है लेकिन चलिए चलते हैं। ठीक है, चलो फिर सरा। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं चिरौला मंदिर में, ठीक है, और प्रसाद भी ले लिया है। अब आगे चलते हैं मंदिर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूं मंदिर। देख सकते हैं आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, सामने सामने पुजारी जी है और वो लोगों का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। चलो तो मैं भी प्रसाद देता हूँ उनको चढ़ाने के लिए। हम लोग के लिए मंदिर की एक छोटी सी परिक्रमा कर लेते हैं और शायद कोई भगवान हमसे खुश हो जाए, तभी करते हैं। आपको फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। यहाँ पे भजन कथा जन्मदिन की शुभकामनाएं लेने लोग आते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भंडारा वगैरह चलते रहता है, लोगों को प्रसाद दिया जाता है, लोग ये देखिए यहाँ पे लोगों का चल रहा है भजन कीर्तन, मानस कथा सभी कुछ होता है। आप कहीं से भी हो, मध्य प्रदेश में रहने वाले, लेकिन यहाँ पे अगर आप कभी रीवा साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार जरूर आना चाहिए बजरंग बली का आशीर्वाद लेने। आप भी देख सकते हैं कितना मधुर वातावरण है, एकदम भक्तिमय वातावरण है, कि आपको भी यहाँ पे बहुत ही शांति मिलेगी, मन शांत हो जाता है। यहाँ पे कथा होती है भगवान की, और आप पीछे देख रहे हैं कथा के पीछे जो है वहाँ पे भंडारा चल रहा है। किसी सज्जन ने वहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ति होने पे भंडारा करवाया होगा। अभी हाल ही में मंदिर बनाया गया है, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। इसमें देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग है उन सभी का प्रतिरूप रखा गया है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोमनाथ का मंदिर, आप सभी देख सकते हैं कि सोमनाथ में किस तरह का शिवलिंग रखा हुआ है। जय भोलेनाथ। दूसरा है, आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में इस तरह की प्रतिमा है। ये श्री महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के निवासी सभी इससे परिचित होंगे, महाकालेश्वर की प्रतिमा है उज्जैन में। ओम नमः शिवाय, सभी बोलेंगे एक साथ ओम नमः शिवाय। इसे ओंकारेश्वर बोलते हैं, ममलेश्वर मंदिर, ये खंडवा में, मैं भी गया हुआ हूँ वहाँ पे। कभी इस बार जाऊंगा तो आप सभी को वीडियो बना के दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं।
रामेश्वरम सबसे प्यारा है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक बार मैं रामेश्वरम तो जरूर जाऊंगा, मेरी बहुत इच्छा है रामेश्वरम जाने की, क्योंकि पता नहीं क्यों भगवान के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है। गुजरात का नागेश्वर, विश्वनाथ वाराणसी में, काशी विश्वनाथ इसे ही कहा जाता है, देख लीजिए आप सभी लोग। त्र्यंबकेश्वर भी काफी प्रसिद्ध है, नासिक में है ये, महाराष्ट्र में। केदारनाथ उत्तराखंड में, देख लीजिए कैसी शिवलिंग बनी हुई है इस तरह से, एकदम पहाड़ की आकृति में केदारनाथ में है उत्तराखंड में। और औरंगाबाद, ये देखिए मैं मंदिर के द्वार पे खड़ा हूँ, अब जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको दिखा दिया, मंदिर दर्शन करवा दिए, आप सभी को यहाँ पे एक बार आना जरूर है, आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। क्योंकि अगर आप में आस्था है और विश्वास है और कर्म है तो काम जरूर पूरा होता है ना। और कितना हो गया प्रसाद का? लड्डू, हाँ नारियल लड्डू 50 रुपए है, ये लीजिए। दोस्तों जैसे कि देखा आपने, हम चिरौला मंदिर घूमकर आ गए हैं अपने घर में, और मेरे हाथ में है ये प्रसाद, तो आप सभी भी ये लीजिए भगवान का प्रसाद, ग्रहण कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं तब अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय। Eat up track like I'm seated in a restaurant, yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt.